क्या होने वाला है ये तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा, क्योंकि अगर वो राज को राज ही रहने दे तो ज़्यादा अच्छा। मेरा नाम है दीपक काजिर केजरीवाल, मैं एक्टर हूँ, और ये है मेरे मित्र रवि झाकर। सर, मैं आपसे जान रहा हूँ, काफ़ी टाइम से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप अभी क्या मतलब किस तरह कंटेंट अभी इंडस्ट्री में देखना चाहते हैं आगे? देखिए सर, कंटेंट तो जो है वो अपने आप जनता डिसाइड करेगी। अब आप देखिए कि अचानक जो एक शिफ्ट हुआ है साउथ की तरफ, मैं ये नहीं कहूँगा कि साउथ की अच्छा बुरा या वो जो वो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक फिल्म मेकिंग का जो एक टोटल प्रोसेस है वो चेंज हुआ इधर की फिल्मों से, तो वो उसमें एक नयापन लोगों को दिखाई दिया कंटेंट लेवल पे भी या उस पर भी, तो लोग उधर ज़्यादा झुके हैं, तो ऑडियंस भी जो है हमारे देखने वाले दर्शक भी जो हैं उस तरफ झुके हैं। हम लोगों को भी मेरे ख्याल में हिंदी वालों को भी चेंज तो करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर बात करो सर आपके बारे में, तो ऐसा आपका कौन सा कैरेक्टर था जो लोगों ने सबसे ज़्यादा उस समय पसंद किया? देखिए ऐसा है कि मैंने तो बहुत सारी फिल्में की, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कितनी फिल्में की हैं, कितने टीवी सीरियल किए हैं, बहुत सारे वो थे। मैं जाने भी तैयार हूँ, एक मेरी पहली फिल्म थी वो भी कैरेक्टर अच्छा था। फिर मैंने जब टीवी सीरियल गायरे से शुरू हुए, डेडी सोप नाम की जब चीज़ थी, तो परदेश नाम की फिल्म की थी मैंने, मतलब मैंने काफ़ी काम, मुझे तो अभी तो अचानक ही मतलब याद भी नहीं, अगर मुझे आपने बताया होता तो मैं साथ में लिस्ट लेके आया होता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ बढ़िया, आज अलग ये है फिल्म अफेयर अवार्ड जो हो रहे हैं थैंक्स टू विकी हाडा, हाडा एंटरटेनमेंट, और बहुत अच्छा फंक्शन उन्होंने अरेंज किया। आई कैन सी द वाइब ऑल्सो, द मीडिया ऑल्सो एंड द गेस्ट ऑल्सो, और सबसे अच्छी चीज़ आज ये है कि मेरे साथ आज मेरे दोनों हीरो हैं, मिस्टर चैंग के जो लीड हैं चैंग मोहित लियाओ साथ में हैं, जो कि डेंटिस्ट भी हैं जबलपुर से मेरे हीरो हैं, एंड माई शादी पास हीरो मिस्टर अभिलाष चौधरी जिनको आपने दहानम एंड जोया फैक्टर एंड बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। तो दिस इज़ द अचीवमेंट फॉर मी, शाम बहुत खूबसूरत है और अभी बस शुरुआत है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, मैम ने इतना ज़बरदस्त आपका इंट्रोडक्शन दिया तो मैं चाहूँगा आप एवॉर्डी भी है, क्या बात है, बताइए सर, बिल्कुल आपकी तरफ से ज़्यादा जानकारी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगी, और सबसे पहले थैंक्स इरम, थैंक्स जुरेश जी एंड थैंक्स मिस्टर विकी जी और मुझे इन्वाइट करने के लिए, और ये इतना ज़बरदस्त जो इवेंट आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी को। और जैसा कि मैम ने कहा, उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ कह दिया है, सो थैंक यू सो मच, इतने अच्छे शब्दों का आपने प्रयोग किया है उसके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये सक्सेसफुल इवेंट हो, और अप्रिशिएट करते हैं इस इवेंट को, इस तरीके की जितने भी इवेंट होते हैं जहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है उनकी मेहनत को, तो अभी ये काबिल तारीफ है। क्या बात है सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आई वुड लाइक टू थैंक्स आप सबको, आप सबको धन्यवाद सबसे पहले, और इरम मैम, माई फ्रेंड अभिलाष भाई एंड विकी जिन्होंने ये जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, और बस मैं यही कहूँगा कि जितना भी है मेरे लिए कम ही है, और आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का बेस्ट विशेस ऑन मीट मिस्टर चैंग एक कॉज पे बनी है फिल्म, और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे प्रोड्यूसर उसको रिलीज़ करें, और ये बहुत जल्दी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होगी, और मैं चाहूँगा कि हमने जो इतनी मेहनत करी है और इतना ज़्यादा हमने जो उसको मार्केट किया है और सारे फिल्म फेस्टिवल्स में, मेरे ख्याल से मीट मिस्टर चैंग एक ऐसी फिल्म है जो मेरे ख्याल से शायद ही किसी फिल्म फेस्टिवल को मिस किया होगा, अपन ने किसी भी फिल्म फेस्टिवल को मिस नहीं किया, और हर फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म ने अवार्ड जीता है, तो अब ये पब्लिक के सामने आना चाहिए, इसके लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ,
और बहुत ही एक्साइटेड भी हूँ। अवार्ड्स की अगर बात करो तो आप सबसे जानना चाहेंगे अवार्ड से क्या मायने है आप सबके रियल लाइफ? अवार्ड्स जो होता है ना, एक अप्रिशिएशन होता है, ये एक कलाकार के लिए, कलाकार को पैसे नहीं चाहिए, कला को ताली चाहिए और एक पुरस्कार चाहिए, बस जैसे उसका पेट भर जाता है। तो एक अप्रिशिएशन होता है उसको इम्प्रूव करने में और उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के लिए, मैं और अच्छा करूँगा, लोग मुझे अप्रिशिएशन करते हैं, मैं लोगों के उम्मीद से खड़ा होगा, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा जुनैद जी ने, क्योंकि जब आपके काम को सराहाया जाता है ना, तो बाकी आपको एक बूस्ट मिलता है आपके काम को लेके कि हाँ, मैंने कुछ वाकई अच्छा किया है जो लोगों को पसंद आया है। और मेरे हिसाब से ना, दो तरीके का अवार्ड होता है, एक अवार्ड, ये अवार्ड होता है जहाँ पे आपको पब्लिक के सामने एक अवार्ड दिया जाता है, वो मेरे नज़रिए से एक मूवी अवार्ड ही होता है जहाँ दो आदमी बैठे मित्र हैं, बुलाया है, अच्छा ही लग रहा है, बाकी तो अंदर जाके पता चलेगा, आप लोग जाने देंगे आगे। क्या बात है, आपको क्या लगता है अवार्ड फंक्शन थिएटर आर्टिस्ट के लिए भी रखे जाने चाहिए? रखे जाते हैं, दरअसल थिएटर आर्टिस्ट के लिए भी रखे जाते हैं, पर मैं सिर्फ थिएटर वाला नहीं, मैं एक्टर हूँ। मेरे हिसाब से एक्टर जो होते हैं वो सिर्फ थिएटर के एक्टर नहीं होते, वो सिर्फ टीवी के एक्टर नहीं होते, वो सिर्फ फिल्मों के एक्टर नहीं होते, वो सिर्फ ओटीटी के एक्टर नहीं होते, वो हर जगह के एक्टर होते हैं, मैं एक्टर हूँ। क्या मेरे हिसाब से एक्टर को अवार्ड मिलना चाहिए, नॉट फॉर टीवी, ओटीटी, थिएटर और फिल्म। आपके लिए अवार्ड कितना क्या इंपॉर्टेंट होता है? अवार्ड देखिए, अवार्ड का मतलब होता है प्रशंसा, और प्रशंसा मेरे ख्याल से कलाकार को यही दो चीज़ें चाहिए होती है, तमाशा और तारीफ। तो तमाशा तो हमेशा ही सुंदर होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर। सर ये ठंडे ठंडे फुहारे आ रहे हैं अफेयर अवार्ड के, उससे मज़ा आ रहा है और बहुत बढ़िया होने वाला है। अच्छी एक अच्छी टीम है और विकी हडा हमारे अजीज दोस्त हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा, माहौल अच्छा है, तो आई होप कि सारे जो बेस्ट लोग हैं उनको अवार्ड मिले। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि मुझे टेंशन है, शनिवार से टेंशन है। अच्छा लग रहा है, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं, अच्छा सामने आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। चलो ठीक है पापा जी, यही चाहता हूँ कि फिल्म अवार्ड बहुत अच्छे से हिट हुए, विकी हाड़ा को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर अवार्ड किया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। नहीं सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है अवार्ड, कौन ऐसा इंसान जो अवार्ड के सही में आपके लिए काबिल तारीफ के लिए इंसान को अवार्ड देना चाहिए, कोई है शख्स जिसके आप चाहते हैं इंसान को अवार्ड मिलना चाहिए? जैसे राम जी आ रहे हैं जी, प्रकाश राम जी काम करते हैं, काफ़ी बड़ी पिक्चर उन्होंने हिट दिए, फिल्म का नाम है अभी किसी का भाई किसी की जान, है ना, उसके पहले उन्होंने काफ़ी फिल्में लिखी है, जैसे गोलमाल रिटर्न और सिंगम, सारी फिल्में कम से कम 150-300 उन्होंने फिल्में लिखी है, और उनको ही अवार्ड जाना चाहिए, बड़े डायरेक्टर हैं, ताकि उनको अच्छा लगे अवार्ड लेते हुए, और इसी टाइम बहुत अच्छा होने वाला है, सब बढ़िया है। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद। फोटो सर, फोटो किसी का बहुत फोन आ रहा है यार, काम करो, गेट के मुंह इधर कर, ओ बुला जल्दी, कंप्यूटर चार फोन आ रहा है किसी का, मैम आज इस अवार्ड फंक्शन के बारे में कितने ज़्यादा एक्साइटेड आज? ज़्यादा नाटक मत करो, मुझे भेजेंगे भेजेंगे सब, नहीं सकते सर के लिए क्या कहना चाहिए हमारे मीडियम के थ्रू? वाओ, कितने ज़्यादा फिर एक्साइटेड है आपका, ज़्यादा एक्साइटेड वाओ, मेरा शो जो है bollylands.com जो एम एक्स प्लेयर और फ्रेंड आ रहा है, बहुत सराहा जा रहा है, आई एम गेटिंग ग्रेट कमेंट्स फ्रॉम फैंस एंड व्यूअर्स, सो आपने जिसने अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़
and watch bollylands.com on mxplayer and subscribe. And one more thing I want to show you. She is the only woman car race driver from India to represent international national cup. Nations Cup. Yes, yes, yes. Of course, kam ladkiyan hain India se in motor racing. But jitni bhi hai, superb hai. Excited ho kya kuch kamal hoga aaj. Thank you so much. Kitne zyada excited hai aap? राजस्थान तो ये अवार्ड जो फंक्शन में आया हूँ मिट्टी में रह गई है और ये इंदार अवार्ड हो रहा है उसका और इसी तरह से ये अवार्ड करें और दुनिया में जब उसका नाम हो चांद सितारों की तरह मैं चाहता हूँ कि ये आगे बढ़ता जाए। क्या बात है, मैं आपसे जानना चाहूँगा इंडस्ट्री में आप किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं, आप किस तरीके की चीज़ें बदल गई है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री पहले जो चीज़ थी वो अभी नहीं है। पहले जो थी कि कंधे पे हाथ रखते थे एक्टर साइन हो जाते थे, अब ये एक्टर को ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है और पता चला उधर डायरेक्ट कोई पहुंच गया और साइन भी हो गए। पहले ज़माने में बहुत अलग था, लोग शूटिंग पे बैठते थे, शूटिंग पे नाश्ता भी करते थे, सब साथ में मिल के बैठते थे। अब तो वो भी नहीं है, अभी तो सब अपने अपने वैन में बैठ जाते और वहीं नाश्ता पानी हो जाते, पता ही नहीं चलता कौन आया कौन गया। पहले एक्टर सब साथ में बैठ के बैठते, यूनिट के साथ भी एक्टर बैठ के खाना चाहते तो खाना, आज कोई लोग नहीं बैठते। आज यूनिट को बोलो या मीडिया को बोलो जो जो भी बोलो सबको अलग रखते, पहले सब साथ में सब एक थे, पहले एक टीम थी, अब वो एक टीम नहीं रही है, पूरा खत्म हो गया, वो टीम ही नहीं रही यूनिटी। अब पिक्चर में ना माँ है ना बाप है ना बहन है ना माँ है चाचा है चाची है मामा है कोई भी नहीं, सिर्फ एक्टर हीरो और स्टार्ट, बाकी और कुछ भी नहीं। ये होना चाहिए सब, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इतने शब्दों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत टाइम लग गया क्योंकि यू नो स्पॉन्सर आना अपना मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, सब सेलिब्रिटीज़ का डेट सेम टाइम पे है नो, सब लोगों को एक ही टाइम पे सब लोगों को लाना, इसके लिए काफ़ी टाइम लग गया। तो हमारा बहुत अच्छा था कि सडनली हमें एक स्पॉन्सर मिल गया और वो रेडी हो गए कि हाँ हमें करना है, और ये जो कुछ भी आप मतलब देख रहे हैं जितना हम लोगों ने अच्छे से मैनेजमेंट किया है, ये सारी चीज़ें हमने मतलब यू नो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ मैनेज किया। क्या बात है, जल्द से बढ़िया बढ़िया, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो अच्छा लगेगा। क्या बात है सर, जितने भी लोगों ने आपको अभी तक सपोर्ट किया इसको इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे मीडियम के माध्यम से, आप उन्हें क्या थैंक्स कहना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि स्पॉन्सर्स जो हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं वो उन्होंने जैसे हाँ बोला तो हमारे अंदर यू नो एक नया जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब नए नए लोगों को स्पॉन्सर सपोर्ट करें ताकि नए लोग जब मंच पे आएंगे तो आप लोगों को नया एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा और नई नई चीज़ें मार्केट में आएगी, यू नो सबको मौका मिलेगा। मैं आपको अपील करूँगा फिल्म अफेयर की तरफ से नए नए कलाकार आएंगे मार्केट में, उन लोगों को अवार्ड मिलेगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके वॉइस, थैंक यू जी। बताइए सर हमारी मीडिया को। नमस्कार, मेरा नाम बी एन तिवारी है और मैं फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। खूबसूरत पहल है, फिल्म 6 अवार्ड होने चाहिए, काफ़ी अवार्ड होने चाहिए, हर किसी को एक हिम्मत मिलती है। मैं जब प्रेसिडेंट होने के नाते सर कितनी कुछ जिम्मेदारी आप पर होती है सर, क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? साहब हमारी 36 एसोसिएशन है, 36 एसोसिएशन है। क्या बात है, और 70 साल पुरानी हमारी संस्था है FWIC फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉइज, जिसमें तकरीबन 5 लाख के लगभग टेक्नीशियन वर्कर आर्टिस्ट, मदर पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते हमारी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी शुभकामना है कि अवार्ड जो हो रहा अच्छा हो, ऐसे ही चलता रहे होता रहे, लोगों को प्रोत्साहित करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? नमस्कार, मेरा नाम सुरजीत सिंह राठौड़, फिल्म एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। विक्की हड्डा जी मेरे कजन ब्रदर है, वैसा बदार गए जो कहना तो वैसा कह दिया, उनके सामने मैं तो कुछ ही नहीं हूँ। क्योंकि अवार्ड कैसा भी हो, कोई भी हो, अभी दुबई में भी अवार्ड हो, जब हमारी कलाकारों को एक समान हम देते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उनको अगर थोड़ा सा समान अगर हम देते हैं, मुझे ये लगता है कि वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ अगर काम करें। जितने भी कलाकार हैं सभी को मेरी तरफ से, मेरी करनी चना टीम की तरफ से शुभकामनाएं, और आप लोगों का प्यार जो बनाए रहे। क्या बात है, ट्रॉफी का लोगों भी देख रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछूंगा कि उसने उसके पीछे का राज क्या था। एंड ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम। आई थिंक ये पहला अवार्ड का, सो माय बेस्ट विशेस टू देम। और आने वाले सालों में सालों साल ये अवार्ड बड़ा होता रहे और इसमें और बड़े बड़े एक्टर आते रहे, ये मेरी शुभकामनाएं इन सब की, जो भी इस अवार्ड से रिलेटेड। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स हैव अ ब्रिलियंट इवनिंग इन फिल्म अफेयर। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। नहीं, आज अभी अवार्ड फंक्शन के बारे में ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं? हाँ, एक्साइटेड तो है और अच्छा लग रहा है आगे आप लोगों से मिलके, सब अच्छा लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो अवार्ड भी लेके जाएंगी हमारे साथ, हम एक्चुअली बहुत टाइम बाद मिले, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो अभी उसका है। बाकी ऑफकोर्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्योंकि हमें पता है म्यूज़िक की भी किस किस से कौन कौन अप्रोच किया गया है, सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू द एंटायर प्रोग्राम। क्या बात है मैम, हमारे मीडिया के माध्यम से आप जो फ्रेंड्स फैमिली जो आपको देख लिया, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड फंक्शन किस तरीके से अभी आगे होने चाहिए और क्या कुछ अंदर एक्साइटेड होता है अब अवार्ड फंक्शन से? होने चाहिए, अवार्ड फंक्शन तो होने ही चाहिए, बस लीगल हो और बायस ना हो लोग, और जो डिज़र्व करते हैं उन्हें ही मिले, और अंदर का जो गेम होता है वो ना हो बस, और जो हमें देख रहे हैं उनके लिए हम खुश हैं और आप भी खुश रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ऑल्सो कि इस अवार्ड में है टैप सम टैलेंट और सर्टन पीपल हु प्रोबेबली पॉपुलर अवार्ड्स हैव मिस्ड आउट, सो अप्रिशिएशन एंड रिकग्निशन दैट्स एसेंशियल, मतलब अच्छी बात है। अवार्ड हाथ में ट्रॉफी आए नहीं आए डजंट मैटर, बट यू आर एक्चुअली एक्नॉलेजिंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और क्योंकि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए आपको मज़ा तो आने वाला। अवार्ड फंक्शन कितना कुछ मायने रखता है सर आपके? यार अवार्ड तो मुझे लगता है कि लोगों की ज़िंदगी में बचपन से बहुत मायने रखते हैं। बचपन में स्कूल में दौड़ी भी रेस में अगर आप जीतना चाहते हो तो आपको अच्छी खुशी मिलती है, तो जब आप कुछ ऐसी जगह पे एक शहर में जहाँ पर आप जो ज़िंदगी भर करना चाहते हो वो जब आप करने के लिए जाते हो और उसको आपका अवार्ड मिलता है उसके लिए बहुत खुशी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कितने ज़्यादा एक्साइटेड आप इस अवार्ड से? हाँ, आई एम सुपर एक्साइटेड। इट्स जैसे भी जब भी कोई भी अवार्ड होते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, सो एंड इट्स समथिंग न्यू, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी इट, एंड आई वुड लाइक टू विश विक्की हड्डा ऑल द वेरी बेस्ट दैट ही कीप्स ऑन डूइंग सच अवार्ड्स, एंड लेट्स सी हाउ द नाइट इज। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। अवार्ड्स ही टारगेट रखते हैं, इसमें क्या है कि ये लोग ने टेक्नीशियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं बिहाइंड द कैमरा वाला आदमी हूँ, तो मुझे ज़्यादा, मैं राइटर हूँ डायरेक्टर हूँ, तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव गिवन स्पेशल रिकॉग्निशन टू ऑल द टेक्नीशियंस, नंबर वन। नंबर टू, आई फील के वेब सीरीज एक नई दुनिया है, एक नया डायमेंशन है फिल्म मेकिंग का, एक ओटीटी, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएटर्स, तो उनके उनको भी सहारा जा रहा है, उनको अवार्ड दिया जा रहा है, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और काफ़ी काम किया, डायरेक्टर है।
रेडी ऑन सेट मिली आपकी ओर, मतलब कितना कुछ टैलेंट आपके अंदर भरा, यंग डायरेक्टर करके बोला गया सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आप क्या देखते हैं इंडस्ट्री में अभी किस तरीके के डायरेक्शन में चेंज आ चुके हैं और किस तरीके के अवार्ड डायरेक्शन अभी हासिल करने के लायक हो गया? मतलब आपको क्या लगता है डायरेक्शन अवार्ड अभी किस तरीके से दिए जाने चाहिए इंडस्ट्री में जो हम देखें? शो में वैसे भी इतना धमाल है, हम दिन भर शूट करने के बाद इतनी टायरिंग शक्ल हो जाती है ना, आफ्टर कमिंग इन दैट काइंड ऑफ इवेंट्स आप थोड़ा सा वैसे होता है। अभी बहुत सारा ट्रैक है जो शो को इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, और नया ट्रैक जो है बिकॉज आईपीएल खत्म हो चुका है तो काफ़ी नया ट्रैक आने वाला है जहाँ पे लोगों के लिए कुछ फन एलिमेंट एड ऑन किए हैं राइटर्स ने, क्रिएटिव टीम ने, तो पीपल गोन अ लॉट। ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ फेस, थोड़ा सा शी इज नॉट गर्ल, सो बस अभी उसका शी इज टेकिंग केयर, उसका ट्रीटमेंट चालू है, सब चीज़ें हैं। तो सी दिस इज वाई लाइक एक्टर्स, अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है हम दिखाते नहीं, हम अपने एक्टिंग पे फोकस करते हैं, तो बोलते थे कि शो मस्ट गो ऑन, तो एवरी वन इज़ वर्किंग फॉर द शो। एंड अभी एलिस बहुत ज़्यादा रिकवरी फेज में है, और शी बी फाइन फील। इसके अलावा अगर बात करें तो किस तरीके से शो को इतना प्यार लग रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत क्रेजी है बिकॉज आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 1 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम एंड बिकॉज ऑफ दिस शो ओनली। शो में जितना मुझे प्यार मिला है लोगों से वो बहुत ही अमेजिंग है और मेसमराइजिंग है। व्हेनेवर आई गो टू स्मॉल टाउन्स, एनी कंट्री आई एम विजिटिंग, आई एम गोइंग टू शूट आउटसाइड, सो पीपल कम एंड यू नो पीपल कम एंड अप्रिशिएट माय वर्क, पीपल कम एंड से कि सर वी रियली लव योर शो, सो आई थिंक दैट्स अ ऑनर लाइक कि आप इतने अच्छे शो का पार्ट हो और लोग इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू।